दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच गणित में ब्रीथ, ठीक है। आज हम ब्रीथ के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ब्रीथ यानी कि सर्कल, ठीक है। ब्रीथ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन बताऊंगा और उसके जितने भी सूत्र होते हैं वो सूत्र को अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको बताएंगे ब्रीथ क्या है। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि किसी समतल में, ठीक है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर इसको क्या करेंगे, एक चाप के माध्यम से अगर चारों तरफ घुमाते हैं तो जो आकृति बनता है, चारों तरफ घुमाने से जो आकृति तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग ब्रीथ कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रीथ कहेंगे। समझ में आया। किसी चाप द्वारा एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर इसको चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसे ब्रीथ कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं इसका परिभाषा। पहले ब्रीथ के परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। ब्रीथ क्या है ये हम लिख देते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर, ठीक है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर किसी चाप द्वारा चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसे क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर किसी चाप द्वारा, ठीक है, चाप द्वारा चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसे ब्रीथ कहते हैं। मान लीजिए कि एक निश्चित बिंदु हो गया किसी समतल में, इससे हम क्या करेंगे, कुछ दूरी ले लिए, यहाँ पे निश्चित बिंदु हो गया मान लीजिए ओ, इससे हम कुछ दूरी लेकर क्या करेंगे, चाप के माध्यम से ऐसे हम क्या करेंगे, गोल घुमाएंगे तो जो हमें आकृति प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमें आकृति प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, हम ब्रीथ कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं और ये जो कुछ दूरी लिया गया है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, त्रिज्या। ये त्रिज्या है, ठीक है ना, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम केंद्र बोलते हैं, ये वाला जो है केंद्र है और ये वाला जो भाग है त्रिज्या है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या है ये, ठीक है ना, त्रिज्या ये आर से डिनोट किया जाता है, इसको कौन सी से, आर से, ओके। अब इसको हम केंद्र बोलते हैं, वो है ना, ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है और ये क्या है, ब्रीथ है, समझ गए। इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है, परिधि कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसमें तीन चीज को जानेंगे, एक त्रिज्या जानेंगे, एक केंद्र जानेंगे और एक ब्रीथ की परिधि जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं केंद्र जानते हैं, ठीक है ना, ब्रीथ का केंद्र जो है ये, ब्रीथ का केंद्र क्या होता है। तो देखिए, किसी समतल में जिस निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर क्या किया जाता है, ब्रीथ बनाया जाता है ना, उस निश्चित बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहा जाता है। किसी समतल में जिस निश्चित बिंदु को मानकर ब्रीथ बनाया जाता है उसे ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है ना,
ओ से सूचित किया जाता है। बात समझ गए ओ से। अब हम लोग सीखेंगे त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या हम लोग सीखेंगे, वृत्त का त्रिज्या, ठीक है ना। ये त्रिज्या हम लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको अंग्रेजी में रेडियस बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए ये सीखेंगे हम लोग। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो जानेंगे हम लोग। देखिए, तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से जितना दूरी लेकर क्या किया जाता है, जितना निश्चित दूरी लेकर वृत्त बनाया जाता है उसे वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। मैंने क्या बताया कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से जितना निश्चित दूरी लेकर क्या किया जाता है, वृत्त बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। इसे काथी से, तो इसे लिख दोगे, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हमने आपको वृत्त का केंद्र बताया, वृत्त बताया, त्रिज्या बता दिया, ठीक है, तीनों चीज बताया ना। अब इसको चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम उसके बाद में आगे हम इसका कुछ सूत्र बताएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग एक वृत्त की परिधि भी जान सकते हैं चाहेंगे तो। चलिए वृत्त की परिधि आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं आपको समझा दूं वृत्त क्या है। तो मैंने बताया ना कि किसी समतल में, कोई समतल हो, उसमें एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर, चाहे कुछ निश्चित दूरी लेकर किसी चाप द्वारा चारों तरफ गोलीय घुमाने से, चाहे चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है, जो गोलीय आकृति बनता है, उसे वृत्त कहते हैं। यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते थे कि जो गोलीय आकृति बनता है, जो गोलीय आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो गोलीय आकृति बनता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, उसे वृत्त कहते हैं, ओके। अब देखिए वृत्त का केंद्र क्या है, किसी समतल में, देखो कोई समतल है भाई, उसमें एक निश्चित क्या लेंगे, एक निश्चित बिंदु ले लेंगे, ठीक है। तो एक निश्चित बिंदु लेंगे, चाहे जिस निश्चित बिंदु को मानकर अगर हम वृत्त बनाते हैं, उसी निश्चित बिंदु को क्या कहेंगे, उसे वृत्त का क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, ठीक है, उसे सूचित किया जाता है। त्रिज्या क्या है भाई, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से जितना निश्चित दूरी लेकर क्या किया जाता है, वृत्त तैयार किया जाता है ना, वृत्त बनाया जाता है ना, उसी को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। आर से सूचित किया जाता है इसको, और उसको ओ से सूचित किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका वृत्त के परिधि के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है, इसको चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे मिटाते हैं इसको। चलिए ये तो हो गया, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे हम। चलिए अब आगे की ओर चलना है। अब क्या है, तो अब आप बता सकते हैं वृत्त का परिधि कैसे। देखिए, तो इस तरह से अगर हम गोलीय आकृति बना दिया, वृत्त बना दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये वृत्त जो बना है आपका, वृत्त बना है ना, तो ये जो वृत्त बना, इसका जो, देखिए ये पूरा वृत्त बना, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से चलना शुरू करिए, पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ आ जाइए, तो आपके द्वारा जो कुल दूरी तय किया गया, ये वृत्त का परिधि कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे वृत्त पर जो जितना गोलीय दूरी है ना, यहाँ पे जो वृत्त है इस पे जितना गोलीय दूरी है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जितना दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का परिधि कहेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए दोस्तों इसमें वृत्त क्या है, सॉरी वृत्त का परिधि देखिए, परिधि किसको बोलते हैं, तो वृत्त के कुल गोलीय दूरी, देखिए वृत्त है ना, इसका कुल गोलीय दूरी जो है, जितना कुल दूरी गोलीय दूरी है उसी को हम वृत्त का परिधि कहेंगे, ठीक है ना। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सूत्र, तो इसका महत्वपूर्ण सूत्र जो है ये देखेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए वृत्त से संबंधित जो भी सूत्र है वो हम लिखेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे, ठीक है। तो पहला सूत्र देखिए, पहला सूत्र हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दूसरा सूत्र देखिए, ये तो बात समझ गए, वृत्त का परिधि, वृत्त का कोई परिधि बोलता है तो क्या बोलिएगा, टू पाई आर, टू पाई आर, ठीक है। तीसरा, वृत्त का कोई त्रिज्या बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त के त्रिज्या को हम बोलते हैं व्यास के आधा कर देते हैं। व्यास किसको बोलते हैं भाई, देखिए ये वृत्त हो गया, यहां से आप पूरा, यहां से यहां तक पूरा खींच दीजिएगा ना, यहां से यहां तक त्रिज्या, तो व्यास का आधा करिएगा, पूरा व्यास है इसका आधा करिएगा, तो इसी को हम कहेंगे वृत्त का त्रिज्या। तो किसी केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं, चाहे वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वृत्त का व्यास बटा टू याद रखिएगा, यानी डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो व्यास बटा टू होता है। अगला सूत्र आप बता सकते हैं, वृत्त का कौन चीज, व्यास, वृत्त का व्यास कोई निकालना चाहेंगे तो वृत्त का व्यास होता है दो गुने त्रिज्या, क्या होता है भाई, दो गुने त्रिज्या, यानी हम इसको 2R बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये तो आपको बता दिए, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सूत्र, ठीक है। वृत्त का कोई क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि बोलेगा तो 2πr, वृत्त का त्रिज्या व्यास के आधा मतलब व्यास डी बाई टू, वृत्त का व्यास डी निकालना हो तो 2 गुने त्रिज्या यानी 2R बोल सकते हैं। तो ये वृत्त से संबंधित जो था सूत्र हम आपको बता दिए, ठीक है, ये तो पूरा वृत्त का था। अगर मान लीजिए अर्धवृत्त की चर्चा हो जाए तो तब क्या होगा, तब तो दूसरा सूत्र लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब अर्धवृत्त के बारे में समझते हैं। तो अब देखिए दोस्तों अर्धवृत्त के बारे में हम लोग देखेंगे, ये तो पूरा वृत्त था, इसके बारे में ये सूत्र हो गया, ये देखिए अर्धवृत्त मतलब उसका आधा कर दिए हैं। तो वृत्त का कौन सी पूछा जाएगा, मान लीजिए वृत्त का अर्धवृत्त का कौन सा जी, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का कोई क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये देखिए पूरा वृत्त है ना उसका आधा कर दीजिएगा तो अर्धवृत्त का हो जाएगा, यानी इसमें एक बटा दूसरे भाग मतलब दो से भाग कर देना है, यानी एक बटा 2πr² आप बोल सकते हैं। दूसरा, अर्धवृत्त का कोई व्यास करे, अर्धवृत्त का बड़े अर्धवृत्त का परिधि कोई करे, परिधि चाहे परिमाप, ठीक है ना, चाहे परिमिति, बात एक ही होता है, इसका आधा करिएगा तो दूसरे भाग करिएगा तो दो कट जाएगा यानी पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पाई आर, ठीक है, ये वृत्त का परिधि होता है अर्धवृत्त का, ठीक है। अब देखिए तो हो गया, ये तो त्रिज्या यही व्यास यही होगा इसमें भी, ठीक है। अब कोई बोलेगा एक होता है अर्धवृत्त का कुल परिधि, अर्धवृत्त का कुल परिधि बोला जाएगा, ठीक है ना, कुल निकाला जाए मतलब ये चित्र का पूरा, ये तो ऐसे देखो इसकी यहां से लेकर ये जो घूम रहा है ना यहां से यहां तक इसका होता है पाई आर, क्या होता है भाई, इसका पाई आर, ये अर्धवृत्त का परिधि हो गया पाई आर। लेकिन अगर कुल निकाला, ये भी अगर ज्वाइंट हो माने इसको भी निकालना हो तो इसको भाई व्यास बोलते हैं, व्यास को हम लोग बोलते हैं 2R, क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं 2R बोलते हैं, इसको हम लोग 2R बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कुल अर्धवृत्त की परिधि निकालना है आपको तो एक तो पाई आर होगा प्लस 2R हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर प्लस 2R, पाई आर प्लस 2R, चाहेंगे तो आप R कॉमन ले सकते हैं यानी पाई प्लस 2, तो एक ये सूत्र होता है, समझ गए होंगे। तो इतना सारे सूत्र हम आपको वृत्त से संबंधित बताया, इसमें इतना ही वृत्त से संबंधित जितना भी मतलब वृत्त का केवल ये वृत्त का या फिर अर्धवृत्त का इतना सूत्र होता है।
आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्तखंड पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड पढ़ेंगे, चतुर्थांश पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे अगर, ठीक है ना, तो उसमें और भी सूत्र होता है क्षेत्रमिति में, अगर हम पूरा अच्छी तरह से आपको पढ़ाएं सिखाएं तो अभी आपको बहुत सारा सूत्र मिलेगा, बेलन से संबंधित मिलेगा, ठीक है, बेलन हो गया या फिर शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, ये सब सभी अगर सूत्र आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहना है, ठीक है ना, और वीडियो को अंत तक ले देखना है, और वीडियो को क्या करना है, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। देखिए ये तो टाइप वन, मतलब मान लीजिए हमने आपको ये वीडियो का पार्ट नंबर हमने वन बनाया, इसमें वन में हम आपको क्या बताएं, पार्ट वन में हम आपको केवल सूत्र बताएं, ठीक है ना, अगर आप चाहेंगे तो मैं पार्ट टू इसका लेकर आऊंगा, जिसमें इससे रिलेटेड सवाल को बताएंगे कि कैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे आसानी तरीके से कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम में, जैसे टेंथ क्लास के एग्जाम हो या फिर नाइन्थ क्लास का एग्जाम हो या फिर एलेवेंथ ट्वेल्थ जितना भी एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर दिल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग सवाल को जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे आसानी से खुद से, वो हम आपको सिखा देंगे पार्ट टू में आकर, ठीक है ना, तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो आए आप उसको अच्छी तरह से देखें सीखें, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।